अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद के थाना टोंडला पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। पुलिस की हथकड़ियों में जकड़ा हुआ पवन पुत्र रक्षपाल को थाना टोंडला पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, थाना टोंडला के गांव अनवारा में नकली शराब फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कर की कार्यवाही। पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा में नकली शराब बनाने के उपकरण और सामान बरामद किए। पुलिस ने बताया कि आरोपी नकली शराब को बनाकर पंचायत चुनाव में खपत कर रहा था और दो आरोपी मौके से फरार है। अब पुलिस गिरोह के अन्य साथियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। देखिए पूरी खबर। थाना टोंडला में कल दिनांक 10/4/21 को समय लगभग 6:30 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टोंडला थाना क्षेत्र की पुलिस प्रभारी निरीक्षक केशव दत्त शर्मा के पर्यवेक्षण में यहां लगी हुई थी। तो उस टीम ने अनवारा ग्राम में एक सूचना मिली मुखबिर की कि वहां पर नकली शराब और मिश्रित शराब बनाने की एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। तो उस सूचना पर तत्काल वहां पहुंच के उन्होंने रंगे हाथों एक अभियुक्त को पकड़ा है जिसका नाम पवन सनप रक्षपाल है। उस अभियुक्त के पास से एक नाजायज राइफल भी बरामद हुई है, 315 बोर की 4 कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त 160 लीटर शराब का भरा हुआ एक ड्रम मिला है, 90 पौआ नकली देसी शराब के मिले हैं, 22 बोतल शराब हरियाणा प्रांत नाइट ब्लू ब्रांड की मिली है, खाली पौआ 200, रैपर 103, बोतल के ढक्कन मिले हैं 910, बार कोड स्लिप 498 मिले हैं, 2 ड्रम छोटे खाली, 10 किलो यूरिया और एक केमिकल की बोतल मिली है जो संभवतः चीनी के घोल से बना के और उससे रंग का देते हैं ये पुट, उसमें आबकारी के संदर्भ में जो भी प्रोजेक्ट की बनाते हैं उसमें उसका कलर देते हैं इससे। तो इस प्रकार ये नकली अपमिश्रित शराब बनाने का एक पूरा यहाँ साजो सामान मिला है और ये अपमिश्रित शराब बना के आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनज़र इसको खपाने के इरादे से थे। और इसमें जो अभी तक की तहकीकात हुई है, एक अनवारा ग्राम पंचायत के प्रधानी पद के एक उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार हैं जिनके लिए इन्होंने ये कार्य किया था, उनकी स्कॉर्पियो भी बरामद हुई है इनके निशानदेही से, एक स्प्लेंडर बरामद हुई है मोटरसाइकिल, इनको भी माल मुकदमाती के रूप में सीज किया गया है और इन सबको अभियुक्त पवन पुत्र रक्षपाल के साथ माननीय न्यायालय के अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।